और ये तभी पॉसिबल हुआ जब बीएस ग्रुप ने मेरे को सपोर्ट करा। इनका सीएसआर थैंक्स गोज टू देम एंड टू माय फ्रेंड सुनीता हु इज बीइंग अ पिलर ऑफ सपोर्ट। वो मेरी बहन से भी ज्यादा है। तो ये तो एक जर्नी थी। आप लोग भी आ रहे हैं मेरे ख्याल पिछले कुछ सालों से हमेशा हमारे एडमिट ले गए। ये मेरा एक इवेंट होता है उन बच्चों के लिए जो कभी सोच भी नहीं सकते वो कभी स्टेज पे जाएंगे। ये बच्चे मेरे को अंडर प्रिविलेज कहना तो नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है और यही हमारा फ्यूचर है। इसी में से कोई आगे चल के क्या करे, हो सकता है कलाम बने, कोई इंदिरा बने, कोई कल्पना बने, वी डोंट नो। तो ये मेरे ज्वेल्स हैं सोसाइटी के जिसमें ज्यादातर लोग ओवरलुक कर जाते हैं क्योंकि हमारी जो समाज है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब फेक सोसाइटी जो आप पहनते हैं ग्लैमरस होता है उसको देते हैं और पैसा ही भगवान है। लेट मी टेल यू पैसा इज जस्ट अ मींस टू एन एंड नहीं होता। समाज कार्य तो सारे बहुत अच्छे होते हैं। हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं इन्होंने कंबल दिए, इन्होंने किताबें दी और उन बच्चों के साथ फोटो लगी हुई होती है न्यूज़पेपर में। मेरे को देख के बहुत गुस्सा आता है। इसलिए आता है आपने अपने उसके लिए अगर आपको देना है कहते सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ को नहीं पता होना चाहिए, तब तो वो दान माना जाता है। ये तो आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल जैसे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। तो इस टाइप का सोशल वर्क आई पर्सनली डोंट केयर फॉर। आपको ऐसा करना चाहिए जिससे वो समाज के लोग ऊपर उठे, उनका हाथ कभी ऐसा ना आए। हम उन्हें फ्री में चीजें दे के सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। एक अम्मा है जो रेड फोर्ट के बाहर भीख मांगती है। ये स्टोरी मेरी एक यंगस्टर ने बताई थी जो आते हैं कि वो अम्मा एक दिन देखा वो भीख मांगती थी और एक कार में कोई आता था मारुति उसको बिठा के चला जाता था। पता चला उसने भीख मांग मांग के अपने बच्चे को पढ़ाया मगर अब क्या हो गया उसकी आदत ही पड़ गई फ्री पैसे की। उसके बच्चे ने भी मना नहीं करा क्योंकि उसने सोचा शायद किसी से ही मेरी शिक्षा हुई है। तो वह मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बजाय भीख दें चाहे पैसा हो चाहे खाना हो चाहे कपड़े हो उनको शिक्षा दें, शिक्षा से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। एंड आई होप मेरा ये मैसेज जिन बच्चों के साथ आपने जाना। मैं भी चाहती हूँ ये बच्चे इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ें मगर उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी। ये मेरी छोटी सी पहल है जहाँ हम एक बस्ती में बच्चों को पढ़ाते हैं। हम प्रोफेशनली काम करते हैं थैंक्स टू डीएस जिसने हमें सिखाया। हम घर घर जाकर पता करते हैं कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और किस कारणवश वो स्कूल नहीं जाते हैं। हम उन बच्चों को लेके आते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं आर्यशरी स्कूल, मेरा कोई भी स्कूल नहीं है, मेरे प्रोत्साहन केंद्र है जहाँ बच्चों को अवेयर कराते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम पढ़ो।